हे गाइस, आज हम सीखेंगे, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राइस के मीठे चावल बनाने, जिसे हम जर्दा बोलते हैं। यहाँ पैन में मैंने तेल घी गरम किया हुआ है और ये राइस है। मैंने सारे मेवे एक साथ काटे हैं, इसमें नारियल, किशमिश, काजू, बादाम, छुआरे हैं, काजू किशमिश गार्निशिंग के लिए और कलर। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम सारे मेवे ऐड करते हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई हो करेंगे, गरम है, थोड़ा सा लिटिल ब्राउन हो जाए। इसमें मैंने एक चम्मच घी लिया, एक दो चम्मच घी दिया हुआ है इसमें। अभी ब्राउन हो गया, अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे, जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। दो कप चावल हैं, इसलिए हम दो कप चाशनी, दो कप चीनी की चाशनी बना के रखी हूँ, जिसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया हुआ है। और अब इसे हम चावल से डाल देंगे। अब इस पर हम कलर भी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चाशनी में पकने देंगे। इसे कुछ हमें 10 मिनट पकाना है। देखिए खूब अच्छे से पक रहा है। आप चाहे तो इसमें चेरी भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी में मैंने गुलाब जल, इलायची पाउडर ऐड किया था, इसलिए अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारी चाशनी अब सूख गई है और अब हम इसे सर्व कर देंगे। हम गैस बंद कर देंगे, हमारी चाशनी सूख चुकी है। लीजिए दोस्तों, तैयार है। इसे हम किशमिश और काजू से गार्निश कर देंगे।
दोस्तों, देखने में कितना सुंदर है। और ये अब आपका सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी चीज़ें, मेरी बनाई हुई चीज़ें, मेरी टिप्स आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो